हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे हम टू क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में इनका डिस्कशन हम लोग करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इन्हें पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो यहाँ पे आपको अपने आंसर्स सबमिट करने हैं, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, ये कुछ स्पेशल सेशन है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम 99 सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं, और आज का सेशन हमारा 100th सेशन है। एंड फ्रेंड्स, इस अचीवमेंट के लिए, अपने आप में ये एक माइलस्टोन है, इस अचीवमेंट के लिए आई थैंक यू ऑल। क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके अप्रिसिएशन के, बिना आपके रिस्पॉन्स के, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। ठीक है, आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो सपोर्ट है, आपका जो अप्रिसिएशन है, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम फर्दर कुछ और अच्छा करें। ठीक है, तो आज का सेशन हमारे लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए। तो देखिए, आज का जो सेशन है, इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं, ये बिलोंग करते हैं GS 3 से। इकोनॉमी 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई इश्यू है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में आपका डाउट लिखना है, मैं उसको वहीं पे रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। काफ़ी कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिल सकता है। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 मार्कर है। देखिए, यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन 10 मार्कर होते हैं, कुछ 15 मार्कर होते हैं। तो हमने इस तरह से कोशिश की है कि दोनों ही तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका आपको एक्सपीरियंस हो जाए। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट रादर देन अनएम्प्लॉयमेंट इज द की प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस टूडे, इलेबोरेट। फिर क्या पूछा गया है, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो देखिए, दो पार्ट साफ साफ यहां पे आपको दिख रहे हैं। क्या पूछा गया है कि जब हम इंडिया के की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अल्प रोजगार वो क्या होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी वो क्या होती है। तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको बताना होगा कि भाई कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो की प्रॉब्लम है, इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके क्या कारण होंगे, वो सब आपको यहाँ पे बताने होंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इलेबोरेट। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सजेस्ट मेजर्स। भाई ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो ये एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है, तो भाई इसको कैसे दूर करोगे, कैसे इसको एड्रेस करोगे, क्या सोल्यूशन होने चाहिए, वो सोल्यूशन आपको यहाँ पे सजेस्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, कि भाई क्या फ्लो होना चाहिए आपके आंसर का, तो वो आपके सामने है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए। अब देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो की प्रॉब्लम है। तो देखिए, इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है, कुछ आपको यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह बताने होंगे, बिना उसके आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे कि हाँ यार वास्तव में ये एक प्रॉब्लम है। तो कुछ फैक्ट्स वगैरह होने चाहिए, वो आपको बताने होंगे। उसके बाद
अंडर एम्प्लॉयमेंट किस तरह से एक समस्या है, किस तरह से एक प्रॉब्लम है, ये आपको बताना होगा। क्या उसके कारण है, उससे क्या चीज़ होती है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। देन क्या सोल्यूशन है वो बताइए, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए, 10 मार्कर है, और 10 मार्कर में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप पॉइंट ज़्यादा लिख रहे हो कि आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना है। देखिए यहाँ पे पार्ट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, तो कम एक्सप्लेन करो और ज़्यादा पॉइंट्स लिखो, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और जितने भी ये पार्ट्स हैं इनका क्या कंटेंट होना चाहिए इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, आप सिंपल सा जानते हैं, एक बंदा जो कि जॉब ढूंढ रहा है या फिर जॉब के लिए अवेलेबल है उसको आप कहोगे कि वो बेरोजगार है, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड बंदा है, समझ में आता है। लेकिन मुद्दा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है, देखिए अगर किसी बंदे को नौकरी मिली हुई है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन इशू क्या है, या तो उसको सैलरी कम मिल रही है, जितना वो डिजर्व करता है उससे कम उसकी सैलरी है, जो उसकी स्किल है उससे लो स्किल की जॉब उसको मिली हुई है, ठीक है। मान लो कि कोई PhD है लेकिन उसके बावजूद भी वो चपरासी की नौकरी कर रहा है। काफ़ी न्यूज़ में होता है कि भाई गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है और इसमें BA, ठीक है, MA, PhD इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो स्किल उसकी ज़्यादा है लेकिन जो जॉब उसको मिली है वो उसकी स्किल के कंपेरिजन में कम स्किल वाली जॉब है। या फिर देखिए टाइम पीरियड, हो सकता है उसको साल भर नौकरी चाहिए लेकिन उसको 3 महीने के लिए नौकरी मिल रही है, तो पार्ट टाइम वर्कर्स, तो ये सब अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं और ये एक मेजर इशू है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखिए इसको आपको वैलिडेट करना होगा इस स्टेटमेंट को, कि भाई कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक की प्रॉब्लम है, ठीक है, एक की प्रॉब्लम है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो नीति आयोग का 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा है तो उसमें ये बात कही गई थी कि रादर देन अनएम्प्लॉयमेंट, सीवियर अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द की प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया, और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो इससे आपने क्या सीखा कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं एक बार इनको देख लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कुछ फैक्ट्स वगैरह बताए गए हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि NSSO सर्वे, ये सर्वे क्या बोलता है कि 11-12 की अगर बात करें, 2011-12 की बात करें, तो 49% वर्कफोर्स ऐसी थी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, ठीक है। आज की डेट में देखें 2019 में तो अराउंड 43% ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, ये एक बात हो गई। लेकिन अगर आप देखें कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो GVA में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो केवल 16.5%, 16.5%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं लेकिन आउटपुट जो है काफ़ी कम है, ठीक है। इसका मतलब जो ट्रू पोटेंशियल है आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो ये तो हमारे लिए नुकसान है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इन लोगों को इनकी स्किल के मुताबिक काम मिलता तो आउटपुट और ज़्यादा होता, जो उनका ट्रू पोटेंशियल है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2010-11 में फर्म्स विद लेस देन 20 वर्कर्स, ठीक है, एम्प्लॉयड 72% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स, लेकिन कितना कंट्रीब्यूशन है, केवल 12%। तो वही बात है कि जो पोटेंशियल है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा लोग आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं लेकिन आउटपुट आपका कम है, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो एक की प्रॉब्लम है अगर आप कंपेयर करो अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब देखिए आपको इसको इलेबोरेट करना होगा, इसके कारण बताने होंगे कि भाई ये की प्रॉब्लम क्यों है, क्या कारण है और इससे क्या चीज देखने को मिलती है, किस तरह से ये एक गंभीर समस्या है, एक सीवियर प्रॉब्लम क्यों है। तो आपको कारण बताने होंगे, रीजंस बताने होंगे और इससे होता क्या है वो आपको बताना होगा। तो देखिए पॉइंट्स आपके सामने हैं, इनको एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि सोशल फैक्टर्स,
देखिए इंडिया की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन हमारे पास है ही सही, तो ओवर पॉपुलेशन है। तो जब जब आप समझ लीजिए कि डिमांड सप्लाई, आप समझते हैं डिमांड सप्लाई, तो भाई डिमांड जो है काफी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो भाई आपको आपके मन मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी। दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ पे प्रेशर होता है लोगों के ऊपर कि तुरंत उनको नौकरी मिले, क्योंकि पॉवर्टी काफी ज्यादा है, ठीक है? तो सोसाइटी का प्रेशर है, हाउसहोल्ड का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि भाई जो भी नौकरी मिल रही है कल कर लो, भले ही वो आपके स्किल के हिसाब से ना हो, क्योंकि आपको अपने घर को संभालना होता है, ठीक है? ये होते हैं सोशल फैक्टर्स। देन टेक्नो इकोनॉमिकल, देखिए विद टाइम टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो जाती है। अभी आप देख लीजिए मशीन्स जो हैं काफी यूज होती हैं, इंटरनेट का यूज काफी हो रहा है, ठीक है? तो मैनुअल वर्क जो हैं अब काफी कम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये सब सामने आ रही हैं। तो देखिए अगर आप जो हैं टाइम पे अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पीछे रह जाओगे, ठीक है? तो आपको अपने स्किल के मुताबिक जो है जॉब नहीं मिलेगी, सैलरी वगैरह अच्छी नहीं मिलेगी। देन लो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मान लो एक बंदा है जिसने 2 से 3 बार जो है आईएएस का इंटरव्यू दिया हुआ है, मान लो एक इमेजिन कर लो, अब उसको क्या जॉब मिलती है कि भाई आपको कोचिंग में पढ़ाना है, और किन बच्चों को पढ़ाना है, जो कि थर्ड ग्रेड टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं आपको उनको पढ़ाना है। तो भाई वो जो बंदा है उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है लेकिन आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ऐसी जॉब्स की कमी है जिनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है, समझ पा रहे हो? तो लो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि आप डिजर्व कुछ ज्यादा करते हो लेकिन आपको मिल काफी कम रहा है। दूसरा, इससे प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, अनरेस्ट होगा, वायलेंस वगैरह हो सकती है। आप अभी देख लीजिए ट्विटर पे कितना ट्रेंड करता है कि भाई हमें जॉब चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है? देन इट विल प्रमोट मीडियोक्रिटी। देखिए अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्म बन जाएगा सोसाइटी में, एक सामान्य सी बात हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तरह का डिस इंसेंटिव क्रिएट होगा, किसके लिए, उन लोगों के लिए जो कि अपने स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं। भाई अगर मार्केट में जॉब्स ही नहीं है तो आप क्यों अपनी स्किल को जो है बढ़ाओगे, तो एक तरह का डिस इंसेंटिव होगा उन लोगों के लिए। देन अदर फैक्टर्स जैसे कि ब्रेन ड्रेन, जिनके पास दिमाग है वो निकल लिए इंडिया से, ठीक है? मोटिवेशन की कमी है, यार क्या करना है पढ़ के, यार जितना है उतना काफी है, ठीक है? तो इस तरह के और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको यहां पे लिखना होगा। आ गया समझ में? अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े, आगे कहा गया है कि भाई कैसे जो है आप इसको दूर करोगे। तो भाई सोल्यूशन सिंपल है कि सबसे पहले तो इनफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए, भाई नौकरी तो दो पहले, सबसे पहली बात। तो पहली चीज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए, ठीक है? सैलरी जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इन दोनों ही फ्रंट पे आपको काम करना होगा। और इसके लिए क्या है, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा। उसके क्या तरीके हैं, नए मार्केट ढूंढिए, भाई जितने नए मार्केट मिलेंगे उतना ही आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो आपको जॉब्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है? समझ में आ गई ना बात? तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इम्पोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, नए बाजारों की खोज करो, नए मार्केट्स की खोज करो, जो आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको आपको बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि आप कंपीट कर पाओ। देन एक्सपोर्ट जोन्स हो गए, एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, कोस्टल एम्प्लॉयमेंट, इन सबको प्रमोट करो, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े। कुछ इश्यूज आते हैं लेबर्स को लेके, तो जो इश्यूज हैं उनको दूर कर लो, जैसे कि अभी कोडिफिकेशन वगैरह किया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देन अंडरटेक सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव इन हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर, जैसे कि टूरिज्म हो गया, ठीक है, आपका ज्वेलरी वगैरह हो गया, तो इन सब में आपको कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए। देन अमेंडमेंट्स इन द अप्रेंटिसशिप एक्ट, देखो भाई जो बंदा कॉलेज से पास हो रहा है या पास होने वाला है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ताकि जो उसकी स्किल है वो अच्छी हो जाए, अपग्रेड हो जाए, ठीक है? तो इस तरह के सॉल्यूशंस आप यहाँ पे बता सकते हो, और भी काफ़ी कुछ हैं,
जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखो आप यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है अगर इंटरनेशनल वो बता दो। तो देखिए साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, चाइना, इनका एक्सपीरियंस है कि इन्होंने क्या किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है, एंड एबिलिटी टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट, उस पर इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जो आपकी जो कॉम्पिटिवनेस है उसको बढ़ाया, ताकि जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आराम से कम्पीट कर सकें, ठीक है। तो उसी पे हमको फोकस करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको हमको इन्हांस करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना? नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एमएसपी के ऊपर। फ्रेंड्स इस बार फार्मर्स प्रोटेस्ट एजिटेशन काफ़ी न्यूज़ में है, तो उम्मीद करिएगा प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो उनके इश्यूज़ हैं, जो एग्रीकल्चर के इश्यूज़ हैं, जैसे कि एमएसपी जो वो डिमांड कर रहे हैं, और उसी को लेके क्वेश्चन आपके सामने है। और ये क्वेश्चन भी एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एमएसपी ऑफ क्रॉप्स इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फॉर एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस विच क्रिएट्स लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। तो भाई एमएसपी की जो हम बात करते हैं ये केवल एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, अल्पकालिक समाधान है, ठीक है, और इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, इसको आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। What steps should be taken to overcome the limitation of the MSP regime? ठीक है, ये जो MSP regime है इसके कुछ limitations हैं, ठीक है। देखो agriculture sector की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है MSP regime की, उसकी कुछ limitation है, उसको कैसे दूर करोगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको difference समझ में आना चाहिए। तो भाई अब इसके क्या different parts हो जाएंगे आपके सामने हैं, देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और देखिए किस तरह से करोगे, क्वेश्चन पूछा गया है एमएसपी पे तो थोड़ा उसको बता दो कि भाई ये होती क्या है, ठीक है। इसके बाद इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं जो पूछा गया है वो बता दो कि भाई लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या हो जाते हैं। इसके बाद बताइए कि भाई ये जो एमएसपी रिजाइम है इसकी जो लिमिटेशन है उसको किस तरह से दूर करोगे वो बता दो, कुछ अल्टरनेटिव हैं क्या इसके वो बता दो, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट बात करती है नई नई स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है, क्योंकि भाई एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन तो देना होगा ना, इसलिए अल्टरनेटिव्स की बात आपको करनी होगी, किसके अल्टरनेटिव, एमएसपी के अल्टरनेटिव की बात करनी होगी, ठीक है। तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए, और मैं फिर से कह रहा हूँ 10 मार्कर है, पॉइंट्स ज़्यादा लिखो क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स हैं, कम एक्सप्लेन करो, इस पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर एग्जामिन है तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना चाहिए, बात आपकी सही है, लेकिन देखिए 10 मार्कर है और वैसे भी काफ़ी पार्ट्स पूछे गए हैं तो इतना आप लिख नहीं पाओगे, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड यही है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ तो सही स्टेटमेंट है ना, सही तो स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एमएसपी है वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ही है, तो इसलिए आप वो जो इश्यूज है वो बता दो, उतना सफिशियंट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे, भाई इन सबको एक बार देख लेते हैं कि आपका कंटेंट क्या होगा। अब देखो एमएसपी क्या होती है इसको समझ लें एक बार। देखो एमएसपी मतलब मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो भाई ये एक ऐसी प्राइस है जो गवर्नमेंट सोचती है कि ये मिनिमम प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस है जो कि फार्मर्स के लिए रेम्यूनरेटिव है, मतलब उनको फायदा होगा और इसलिए सपोर्ट देने की जरूरत है। समझ में आया, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये मिनिमम प्राइस है जो कि फार्मर्स के लिए रेम्यूनरेटिव है, फायदेमंद है, इसलिए सपोर्ट देने की जरूरत है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि वीट है, गेहूं है, ठीक है, और गेहूं का मान लो कि पर क्विंटल 100 केजी जो है, जो उसका मार्केट का जो भाव है, जो रेट है, मान लो कि वो 2800 रुपीज़ है,
ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ रफली, ठीक है, हो सकता है अलग हो, ठीक है, मान लो कि ये है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई जो जितना भी इनपुट वगैरह लगता है, जो मेहनत वगैरह लगती है, तो उसके हिसाब से जो मिनिमम जो प्राइस है जिसपे फार्मर को फायदा होगा, मान लो कि वो 3200 है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि 3200 प्राइस ऐसी प्राइस है जो फार्मर को मिलनी चाहिए, कम से कम मिलनी चाहिए, ठीक है, और अगर मार्केट प्राइस इससे कम है, अगर मार्केट प्राइस इससे कम है तो हम प्रोक्योर कर लेंगे, किस रेट पे, 3200 पे हम प्रोक्योर कर लेंगे। देखो भाई, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तब कौन क्यों गवर्नमेंट को बेचेगा, वो तो मार्केट में जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और देखिए यही चीज़ ना आपको लिखनी होगी इंट्रोडक्शन में, देखिए ये एक सपोर्ट प्राइस है, एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन है, कौन करता है, गवर्नमेंट। पर्पस क्या है कि अगर जो क्रॉप्स की प्राइसेज हैं अगर उसमें एक फॉल आपको देखने को मिलता है, अगर वो कम हो जाती हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसपी अनाउंस कर देगी कि भाई कम से कम इतने पे तो हम लोग खरीद लेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये मिनिमम रेम्यूनरेटिव प्राइस है। समझ गए इस बात को, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो एमएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में कि भाई कौन रिकमेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए सीएसईपी ये रिकमेंड करती है, तो इसके बारे में पढ़ लेना कि ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन वगैरह सब पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और 23 क्रॉप्स हैं, 23 क्रॉप्स हैं जिन पे इसको दिया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब देखो एमएसपी अनाउंस करना, ठीक है, और एमएसपी पे प्रोक्योर करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, और ऐसा देखने में आया कि केवल 2 से 3 ही क्रॉप्स होती हैं जो प्रोक्योर हो पाती हैं, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, तो ये सब इश्यूज हैं एमएसपी से जुड़े हुए जो अभी फार्मर्स डिमांड भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एमएसपी अनाउंस करना एंड उसको प्रोक्योर करना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अनाउंस तो कर देती हैं लेकिन क्या प्रोक्योर कर रही हैं क्या, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। बढ़े आगे, क्या लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, तो भाई आप मुझे बताओ कि अगर वीट की जो एमएसपी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मान लो कि 3200 है, राइस की मान लो कि काफ़ी ज़्यादा है, मान लो कि 3600 है पर क्विंटल, और बाकी की जो क्रॉप्स हैं उनकी कम है, तो भाई जो किसान होगा, जो फार्मर होगा, वो तो इन्हीं को कल्टीवेट करेगा ना, क्यों, क्योंकि इस पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो सब क्रॉप जिनकी एमएसपी ज़्यादा है उनको ज़्यादा कल्टीवेट किया जाएगा, तो इससे जो क्रॉपिंग पैटर्न है आप उसको ख़त्म कर दोगे, उसको डिस्टोर कर दोगे, जो पल्सेज हैं, दालें हो गई, जो ऑयल सीड्स हैं जिनसे तेल वगैरह निकलता है, उनको कोई नहीं उगाएगा, जबकि वो भी तो ज़रूरी है ना। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। देखिए भटिंडा से बीकानेर, भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, इसका नाम है कैंसर ट्रेन, थोड़ा पढ़ना इसके बारे में कि ये क्या है। देखिए हरियाणा पंजाब ये वो एरिया है जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, आज देखिए राइस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन क्या ये एरिया सूटेबल है राइस के लिए, क्योंकि राइस का जो क्रॉप है वो काफ़ी पानी मांगता है। अगर आप बंगाल की बात करें तो वहाँ के लिए ठीक है, वहाँ पे काफ़ी पानी है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे पानी इतना अवेलेबल नहीं है, और होता क्या है कि आपको इरिगेशन करना होता है, ग्राउंड वाटर का आप यूज़ करोगे तो ये देखने में आ रहा है कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, सॉइल सेलिनाइजेशन, इस तरह की समस्याएं वहां पे देखने को मिल रही है, और इसीलिए कैंसर ट्रेन, पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। देन रीजनल इम्बैलेंस, देखिए एमएसपी अनाउंस तो हो जाती है लेकिन देखिए एक रिपोर्ट है एम एस स्वामीनाथन, वो क्या रिपोर्ट बोलती है कि भाई 6% ही प्रोक्योरमेंट हो पाता है एमएसपी के ऊपर, और इसमें भी जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जो ईस्टर्न एरियाज हैं, जो साउदर्न एरियाज हैं वहाँ पे बहुत कम होता है, तो रीजनल इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। देन इंश्योरेंस नॉट रेम्यूनरेशन, देखिए जो एमएसपी है ये बेसिकली एक इंश्योरेंस है, ये रेम्यूनरेशन नहीं है, क्योंकि जो एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो क्या बोलती है कि
1.5 टाइम्स आपको ज़्यादा देना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, लेकिन जो MSP है वो इससे काफ़ी कम होती है। तो बेसिकली आप सही प्राइस उनको नहीं दे रहे हो, आप केवल एक तरह से इंश्योरेंस उनको दे रहे हो, ठीक है, कि भाई अगर प्राइसेस कम हो जाएंगी मार्केट में तो इतना तो हम आपको दे देंगे, और उतना भी नहीं मिलता क्योंकि प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है। देन डेप्ट ऑब्लिगेशन, भाई MSP तो बाद की बात है ना, पहले आप कल्टीवेट तो करोगे क्रॉप को, और उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लोगे? ट्रेडर से लोगे, जो मनी लेंडर है उससे लोगे, और वहाँ पे ये कंडीशन होती है कि भाई कुछ पोर्शन आपको हमें ही बेचना है। अब वो किस रेट पे बेचना है ये तो वही डिसाइड करेगा, कौन? जो ट्रेडर है, जो मनी लेंडर है, समझ में आ रहा है? तो किसान की पहले से ही डेप्ट ऑब्लिगेशन होती है कि भाई इतना तो पहले से ब्याज है मेरे ऊपर, इतना तो कर्ज है मेरे ऊपर, पहले तो मुझे इसको चुकाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म मुद्दे हैं जिनके बारे में ये क्वेश्चन जो है बात करना चाह रहा है, और यही आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि जो MSP की लिमिटेशन है इसको किस तरह से दूर करोगे। तो भाई मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ही कम, केवल 23rd के लिए होता है, उसमें भी इसका स्प्रेड जो है वो काफ़ी कम है, तो एक तो इसको दूर करना चाहिए। स्कोप बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं उसको इस दायरे में लाओ ताकि डिस्टॉर्शन वगैरह ना हो, ठीक है। देखिए जो हर एरिया होता है, ठीक है, उसकी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, और उसके हिसाब से कौन सी सूटेबल क्रॉप है ये पहले से डिसाइड होती है, तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और MSP सिस्टम क्या है, इसको डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। देन ओवरकमिंग द स्टेट वाइज डिफरेंसेस, तो भाई जो मैंने आपको बताया कि भाई ईस्टर्न साइड तो कुछ है ही नहीं, जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो नॉर्दर्न साइड में हो रहा है, तो इसको हमको दूर करना होगा, ठीक है। देन देखिए आप MSP कब अनाउंस कर रहे हो, अगर आपने अनाउंस किया है कब, जब ऑलरेडी फार्मर उस फसल को बो चुका है, उसकी सोविंग हो चुकी है, ठीक है, तो फिर मतलब क्या है MSP का, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसका टाइम पीरियड बहुत अहम है, वेल इन एडवांस ऑफ द सोविंग, मतलब उसके डिसाइड करने से पहले कि कौन सी फसल मुझे कल्टीवेट करनी है, उससे पहले आप MSP अनाउंस कर दो, ताकि वो अपना माइंड बना ले कि भाई कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। समझ में आ गया? बड़े आगे, ठीक है। तो भाई चलो, और क्या है भाई, देखो जब भी आप MSP को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्या मेथड होना चाहिए। तो स्टेट की ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, एंड जब पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। अभी देख लो UP में काफ़ी सुनने में मिलता है कि जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं, इतना बकाया है साहब, पैसा ही नहीं दिया जा रहा। तो भाई अगर आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, या जो आज का पेमेंट है उसको 2 साल बाद करोगे, तो भाई किसान को तो तुरंत पैसा चाहिए ना, क्योंकि भाई उसका तो एक तो घर का खर्चा है, पहली बात, दूसरा उसको तो फिर से कोई दूसरी क्रॉप कल्टीवेट करनी है ना, साल भर का पूरा साइकिल होता है। तो भाई डिले यहाँ पे होना नहीं चाहिए, और अगर डिले हो रहा है तो मतलब नहीं है MSP का, ठीक है। तो डिले ना हो इसको आपको इंश्योर करना होगा। आगे समझ में? अब देखो ये जो MSP सिस्टम है, ये बात तो सही है कि भाई ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वगैरह कुछ दो आप कि भाई क्या कर सकते हो। तो भाई अल्टरनेटिव जो है आपको कंसिडर करने होंगे, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की स्कीम आई ये प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई जो MSP है और जो सेल प्राइस है, इसका जो डिफरेंस होगा ना, इसका जो डिफरेंस होगा, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, DBT करेगी, डायरेक्ट आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा है कि भाई आपको पहले से होल्डिंग नहीं करनी होगी कि भाई आपने जमा कर लिया। दूसरी बात, गवर्नमेंट को जो फिजिकल प्रोक्योरमेंट करना होता है उससे भी वो बच जाएगी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना, इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट के ऊपर। देन एरिया प्लानिंग या फिर रेस्ट्रिक्शंस। देखो UK में क्या होता है ना, अगर आपका जो खेत है, जो लैंड एरिया 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो उस पर क्रॉप कल्टीवेट करने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है, अप्रूवल लेना होता है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। और अगर ऐसा बहुत सारे लोगों ने कर लिया तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, प्राइसेस क्रैश कर जाएंगी। तो इससे बचने के लिए भाई आपको पहले से अप्रूवल लेना होगा कि भाई कौन सी क्रॉप आप कल्टीवेट करोगे। तो जो गवर्नमेंट है उसके बाद डाटा होगा कि भाई इतने तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भी फिर तो दिक्कत है, तो मना कर दो, कुछ और आपको कल्टीवेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह के अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे प्रपोज करने होंगे, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे दो
कंक्लूजन में डायरेक्ट इनकम सपोर्ट कि भाई हम तो पहले ही आपको पैसा दे दे रहे हैं, किसके बेसिस पे, भाई आपके पास कितना एरिया है, कितनी लैंड है, उसके बेसिस पे आपको पैसा दे दिया, अब इसको अच्छे से यूज करो, इसके अलावा कोई और सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, भाई पहले से उनको सपोर्ट मिल गया, तो जो बेस्ट सूटेबल क्रॉप है आप उसी को कल्टीवेट करोगे। आ गया ना समझ में, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, इनकी स्कीम्स के नाम है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भाई आप कंक्लूड कर सकते हो। आगे ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, अगर आ रही है तो भाई पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हो गया अपना जो पहला जो अपना सेगमेंट है वो तो खत्म हो गया, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। अब क्या करेंगे, सेकंड सेगमेंट, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो लर्नर्स हैं उनकी जो आंसर शीट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई भाई लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका इंट्रोडक्शन देखो, एट लाइन्स का इंट्रोडक्शन है। मैं बोलते बोलते थक गया कि अगर आपका 10 मार्कर है तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, अगर 15 मार्कर है तो भाई 3 से 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग फॉलो नहीं करते हो। अब देखिए आपके सामने एग्जांपल है, कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो पैराग्राफ चेंज करो, 2 से 3 लाइन लिखो, फिर जो है आप पैराग्राफ चेंज कर लो। अब देखिए आपने लिखा है कि MSP इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इट इज द गारंटीड मिनिमम फ्लोर प्राइस दैट फार्मर मस्ट गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस द मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप फॉल्स बिलो द MSP। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है वो ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट है, तो वो पहले आना चाहिए, और जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो बाद में आना चाहिए। समझ पा रहे हो डिफरेंस, और यही चीज होती है कि किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखे जाएं, प्रायोरिटाइज करो पॉइंट को, ठीक है। तो वो समस्या है, और देखो भाई यहां पे ना आपको पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। फिर क्या लिखा है, अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द बिगनिंग ऑफ शोइंग ऑफ क्रॉप, देखो भाई शोइंग नहीं होता, सोइंग होता है, तो स्पेलिंग चेक करो, ठीक है। और भाई इसकी यहां पे जरूरत नहीं थी, इसको आप बाद में कहीं फिट कर सकते थे। फिर आपने क्या लिखा है, ये सिस्टम 1960s में स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 66-67 में स्टार्ट होता है, लेकिन भाई 10 मार्कर है, पूछा कहाँ गया है, आपसे पूछा है क्या, नहीं पूछा ना, तो क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है। तो भाई जो चीज़ पूछी नहीं गई है उसको मत लिखो, तो इस पूरे सेक्शन की यहाँ पे कोई भी जरूरत ही नहीं है कि उसके क्या बेनिफिट है, नहीं बताना भाई, नहीं बताना। फिर आपने बताया इसके इश्यूज, तो भाई हेडिंग डालो ना कि भाई इशू मैं बता रहा हूँ, और बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो GS 1, 2, 3 के आंसर्स, कोशिश करो कि हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट होना चाहिए। समझ में आ गया। अब क्या लिख रहे हो कि भाई एक तो काफ़ी कम क्रॉप्स के लिए अनाउंस होती है, सही बात है, जैसे कि वीट राइस हो गया, ठीक है, और इससे क्या है कि जो दूसरी क्रॉप्स की जो प्राइसेज हैं वो राइज हो जाती हैं, तो भाई इनको आप पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख के इनको बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, ठीक है, समझ में आ गया। फिस्कल बर्डन ऑफ सब्सिडीज, अब भाई आप मुझे बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि MSP से लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये जो आप इशू बता रहे हो ये आपको सबसे पहले लिखने चाहिए, ये आप बाद में लिख सकते हो, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने मिस कर दिए, जो आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होने चाहिए थे, ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं ये नंबर 5, नंबर 6 हो सकते थे। समझ पा रहे हो कि प्रायोरिटाइज करो पॉइंट्स को, ठीक है, कौन से पॉइंट हो गए, समझ में आ रहा है कि भाई जो सोइल है वो खराब होती है, ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो खत्म हो जाता है, वो पॉइंट याद आ रहे हैं, तो वो पॉइंट आपको लिखने होंगे, ये पॉइंट तो आप बाद में लिख सकते हो। डिले इन पेमेंट, भाई ठीक है, सही बात है, ठीक है, लेकिन जो रिलेवेंट पॉइंट है वो पहले लिखो। सो देयर नॉट टू मेक सम अल्टरनेटिव अदर देन, भाई इंग्लिश जो आप लिख रहे हो सेंटेंस उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए जो यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है, तो थोड़ा उस पर ध्यान दो। अब आप क्या बता रहे हो, सोल्यूशन क्या दे रहे हो, रिफॉर्म्स इन द लैंड पैटर्न, इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट। अब भाई मैंने वही कहा था आपको कि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि फार्मर्स की इनकम किस तरह से डबल करनी है, वो नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो MSP रिजाइन के जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से रिजोल्व करोगे, और इश्यूज क्या है, केवल 6% का ही आप प्रोक्योरमेंट कर पाते हो, जो 6% फार्मर्स हैं उन्हीं को इसका फायदा हो पाता है, ठीक है, बहुत सारे एरियाज है जहां पे नहीं हो पाता है पेमेंट,
ठीक है, रीजनल वेरिएशंस हैं, तो भाई वो आपको लिखना है ना। ये थोड़ी कहा गया है कि आप फार्मर्स की जो इनकम है उसको किस तरह से बढ़ाओगे या जो एग्रीकल्चर इश्यूज है उनको किस तरह से रिजोल्व करोगे। एमएसपी रिजाइन की इश्यूज को आपको रिजोल्व करना है, तो ये पॉइंट आपके सही पॉइंट नहीं माने जाएंगे। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, ठीक है ठीक है। और देखो इसी के बेसिस पे आपने कंक्लूड किया है कि हर खेत को पानी इरिगेशन, भाई ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है ये आपका सही कंक्लूजन नहीं होगा। और देखो 336 फिर से 8 लाइंस में आपने कंक्लूड किया है, भाई कितना टाइम है, किसके पास टाइम है इतना कि वो आपका इतना बड़ा कंक्लूजन पड़ेगा, इच्छा नहीं होगी एग्जामिनर की। इसीलिए कहते हैं 3 से 4 लाइन, 2 से 3 लाइन मोर देन इनफ है, ठीक है। तो भाई देखो डिमोटिवेट नहीं होना है, इस सेशन का मकसद पर्पज ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं और कल से आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दें, नहीं। मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो फॉल्ट्स हैं आपके, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, इनको फिर से रिपीट मत करो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन पर वर्क करो और उनको इम्प्रूव कर लो, और यही इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो देखा जाए तो आपने क्वेश्चन की डिमांड को आप नहीं समझे हो, पहली बात। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, अंडरलाइन करो, उसके बाद सोचो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पार्ट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और फिर हर पार्ट को आपको एड्रेस करना है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स है, लेकिन आपका जो आंसर है मेरे ख्याल से ये एक 15 मार्कर को भी पीछे छोड़ देगा, काफ़ी लंबा आपने ये आंसर लिखा है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जो वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करो, और ऐसा कैसे होगा, जो मेंस की जो वर्कबुक आती है ना उसमें आप आंसर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे 2 पेजेस में आपको आंसर लिखना है, इतना ही यूपीएससी आपको स्पेस देता है, ठीक है। 10 मार्कर के लिए 2 पन्ने और 15 मार्कर के लिए 3 पन्ने आपको मिलते हैं, ठीक है, इतना ही आपको मिलता है। तो उसी पर आप करो, और जो पॉइंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, जो रिलेवेंट पॉइंट है उनको पहले लिखो, जो जनरल पॉइंट है उनको बाद में लिखो, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि लो स्किल है, लो पे है, अच्छी बात है, टाइम को भी जोड़ो तो एक पॉइंट और जोड़ दो, ठीक है। तो आपने ना अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज कर दो, ठीक है। आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट समझा दिया, अब आप बता रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, तो पैराग्राफ चेंज कर दो और भाई यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, वाइल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंडीशन, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, इतना टाइम कोई भी नहीं देगा, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ऊपर से सब चेक होता है, ठीक है, इतनी बारीकी से कोई भी आपको नहीं बताएगा। इसलिए देखिए इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। बढ़े आगे, रीजंस फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब भाई देखो वो जो फैक्ट है ना वो आपने नहीं बताया, तो जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, पहले इसको तो आप वैलिडेट करो, तो वो एक डायमेंशन आपने यहाँ पे मिस कर दी है, ठीक है। अब क्या रीज़न है, ओवर पॉपुलेशन सही बात है, एकेडमिक सिलेबस ये भी सही बात है, पॉवर्टी ये भी सही बात है, इससे क्या हुआ कि भाई जो भी आपको नौकरी मिल रही भाई ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किल क्या है और जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ये भी सही है। अब देखिए एक्सप्लेन कम करो, पॉइंट ज़्यादा लिखो, क्योंकि 10 मार्कर है, इतना एक्सप्लेन करोगे तो आपके पॉइंट कम हो जाएंगे। और देखिए जितने टिक एग्जामिनर मारेगा ना आपकी आंसर शीट में उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, ये एक रूल है जो आप याद कर लो, जितने टिक उतने नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 4 पॉइंट लिखे तो भाई 4 ही टिक मिलेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, मेजर्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, मेक इन इंडिया, अकेडमिक सिलेबस, स्कॉलरशिप, प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज, बात आपकी सही है, लेकिन वही बात है ना, आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि काफ़ी सारे जो की पॉइंट्स हैं ना, रिलेवेंट जो पॉइंट है वो आपने मिस कर दिए हैं, तो कंटेंट आपको एनरिच करना होगा। इसी तरह से आपने कंक्लूड किया है कि भाई जो आईटी है, इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्री है, इनको गवर्नमेंट को जो है प्रमोट करना चाहिए, इनके जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, तो बात आपकी सही है, कंक्लूजन फिर भी आपका ठीक है, लेकिन बात वही है भाई कम एक्सप्लेन करो। भाई ये जो आपने लिखा ना सेंटेंस, ये जो आपने पॉइंट लिखा, तो पॉइंट मत लिखो, इसी को आपको एक्सटेंड कर देना चाहिए कि भाई कि गवर्नमेंट जो है उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए हायर एजुकेशन में, इतना एक्सप्लेन करो ही मत, केवल एक लाइन लिखो, 1 से 2 लाइन लिखो, हेडिंग मत डालो, डायरेक्ट पॉइंट लिख दो, ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा पॉइंट भी लिख पाओगे, ठीक है भाई।
समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आपको कंटेंट को एनरिच करना होगा। अब भाई इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में। अगर मैं चैट बॉक्स में अवेलेबल नहीं हूँ तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, जो कि डेफिनेटली आपको आया ही होगा, तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।